अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता कि टायर का रोटेशन क्या है। जब हम गाड़ी में टायर लगवाते हैं तो टायर का रोटेशन लोगों को नहीं पता होता। जैसे ये एक गाड़ी है, होंडा की कार है, और इसमें जब टायर चेंज कराया गया तो इसका रोटेशन उल्टा लगाया गया। ये देखिए जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जो पहिया है वो उस तरफ घूमना चाहिए। बट नॉर्मल केस में क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता है, और इससे क्या होता है टायर भी घिसते हैं, सस्पेंशन भी ख़राब होता है, एंड सेकंड पार्ट क्या है, इससे पूरी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ़ेक्ट होती है, इवन ब्रेकिंग। और जब बारिश के मौसम में ऐसे टायर जो एंटी उल्टा रोटेशन में लगे होते हैं उनकी ब्रेकिंग भी इफेक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो अपनी गाड़ी के टायर में ये वाला पार्ट देखिए, रोटेशन किस एंगल पर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये रोटेशन का एंगल है, ये उल्टा है और कार इस समय सीधे डायरेक्शन में है। तो आप चेक कीजिए एंड गेट दिस करेक्टेड, बिकॉज इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, जो साइड वॉल्स कटते हैं वो नहीं कटेंगे। जैसे इसमें कटने शुरू हो गए, एकदम ब्रांड न्यू टायर है और कटने शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, आई एम गेटिंग दिस रोटेशन चेक्ड, और ये जो साहब है हमारे, इनसे टायर चेंज करवा रहे हैं। अभी रोटेशन पूरा टायर को बदल देंगे अपसाइड डाउन।